सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अनवांटेड किट को लेने के बाद आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब कि आपका जो गर्भपात का प्रोसेस था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चलन, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अनवांटेड किट में आपको 5 टैबलेट मिलती हैं। अगर आपने इन किट का यूज़ इन टैबलेट्स का यूज़ सही मेथड से सही तरीके से किया है और इस किट का कोर्स आपने पूरा कर लिया है, तो आप कैसे आगे कंफर्म करोगे कि जो गर्भपात था, जो गर्भपात का प्रोसेस था वो सफल हुआ है, पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसके चलते आप काफ़ी सारे टेस्ट करवा सकते हो और काफ़ी सारे साइनो सिम्टम्स भी हैं जिनके आधार पर आप जान सकते हो कि आपका जो गर्भपात था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं आपको साइनो सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ जिनके आधार पर आप जान सकते हो कि गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं हुआ, और उसके बाद मैं आपको टेस्ट भी बता दूंगा। तो चलिए पहले साइनो सिम्टम्स की ओर चल लेते हैं। तो पहला है ब्लीडिंग। देखिए गाइस, इस किट की जो पहली मिफेप्रिस्टोन टैबलेट है, इस टैबलेट को लेने पर आपका जो गर्भपात का प्रोसेस था वो शुरू तो हो जाता है, लेकिन जो गर्भपात के साइनो सिम्टम्स हैं ना, वो शुरू नहीं होते। ना ही आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, ना ही पेट में दर्द महसूस होता है, ना ही सिर में दर्द, ना ही नोज़िया वोमिटिंग, कुछ भी शुरू नहीं होता। हालांकि बहुत ही कम ऐसी फीमेल हैं जिनको बहुत ही कम लाइट स्पॉट देखने को मिलता है या फिर लाइट एब्डोमन पेन या नोज़िया देखने को मिला है, लेकिन बहुत ही कम है, ना के बराबर। ओके, तो इस किट की जो दूसरी टैबलेट्स हैं मिसोप्रोस्टोल, जब आप इन टैबलेट्स को लोगे तो आपको ब्लीडिंग के साथ एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं जो कि 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में होते हैं, और ये मैक्सिमम 24 घंटे तक ज़्यादा होते हैं, और फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं जो कि 10 दिन में कम होते होते ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनी होती है, मतलब कि जो गर्भपात का प्रोसेस था एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ हैवी ब्लीडिंग, नोजिया वोमिटिंग, बैक एक, डिजीनेस, हेडेक और लिथर्जी, ये सभी जो साइनो सिम्टम्स हैं ये 24 घंटे तक मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ जो हैवी ब्लीडिंग होती है ये भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये 10 दिन तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही होता है तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो अबॉर्शन प्रोसेस था ये सफल हुआ है, पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आपको सामान्य से बहुत ही कम लाइट ब्लीडिंग होती है या फिर आपको स्पॉटिंग होती है, मतलब कि आपका जो पीरियड साइकिल में होने वाली ब्लीडिंग है उससे भी कम अगर आपको ब्लीडिंग होती है इस किट को लेने के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि इस किट ने काम नहीं किया और आपका जो गर्भपात था वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आपको ब्लीडिंग 10 दिन से ज़्यादा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग से मतलब ये है कि अगर आपको हर एक घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने को पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग 10 दिन से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गर्भपात है वो इनकम्प्लीट है और आपका गर्भपात नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आपको एब्डोमन क्रैम्प लगातार हो रहे हैं, पेन किलर खाने के बाद भी आपको एब्डोमन क्रैम्पिंग है और 10 दिन तक लगातार हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गर्भपात था वो पूरा नहीं हुआ और एब्डोमन क्रैम्पिंग के साथ आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है, जो ये बताती हैं कि आपका जो गर्भपात प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ, असफल हो चुका है। ओके, साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी के साइन ऑफ सिम्टम्स महसूस होते हैं, मतलब कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया वोमिटिंग जो कि सुबह के टाइम महसूस होता है, साथ ही लिथर्जी, कमजोरी, डिजीनेस और सिर में दर्द, चक्कर आना, ये सभी साइन ऑफ सिम्टम्स जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, अगर आपको ये महसूस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस किट ने काम नहीं किया। अगर आपको प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स इस किट को लेने के बाद कम होते होते ख़त्म होते महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस किट ने काम किया है और आपका जो गर्भपात था वो पूरा हो गया है।
लेकिन गाइज ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, कन्फर्मेटरी साइनो सिम्टम्स नहीं है। कन्फर्म करने के लिए कि आपका गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको टेस्ट ही करवाना होगा। तो पहले नंबर पर जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। आपको 14th डे पर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, मतलब जब आप इस किट की पहली गोली जिस दिन पर लोगे उस दिन के 14th डे पर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि आपका जो गर्भपात था वो पूरा हुआ है नहीं हुआ है, जो प्रेगनेंसी का अंदर का मटेरियल था वो अंदर रहा तो नहीं है, जो बच्चेदानी की सफाई थी वो पूरी तरह से हुई है या नहीं हुई है, ये सब आपके अल्ट्रासाउंड को देखकर पता लगता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कपल्स हैं और ऐसी फीमेल्स हैं जो मजबूरी के चलते अल्ट्रासाउंड को नहीं करवा सकते, ऐसे में आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। लेकिन कई ऐसे कपल्स हैं और फीमेल्स हैं जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को करने में जल्दबाजी कर देते हैं, मतलब जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है गाइस, ये एक हार्मोन पर बेस्ड होता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, मतलब कि बेटा SCG हार्मोन बोलते हैं। ये किट इस हार्मोन पर बेस्ड होती है और HCG हार्मोन को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो HCG हार्मोन आता कहाँ से है? देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो प्लेसेंटा जो मदर से और एम्ब्रियो से जुड़ा होता है, एक कोड होती है, ये प्लेसेंटा कंटिन्यूसली बेटा HCG हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो जब ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपकी किडनी खून को छानने का काम करती हैं, ठीक है। तो जब खून को छानती हैं तो किडनी कुछ बेटा HCG हार्मोन को यूरिन से फ्लश आउट करती हैं बाहर, और ऐसी कंडीशन में जब आप इस किट से अपने यूरिन को टेस्ट करते हो तो बेटा HCG हार्मोन डिटेक्ट होता है, ओके। तो ये हार्मोन आपके गर्भपात के बाद भी कुछ समय के लिए आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है। कितने टाइम तक रहता है? कम से कम 21 दिन तक। इसीलिए अगर आप 21 दिन के अराउंड तक अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आ सकता है, आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। इसीलिए आइडियली जो टाइम पीरियड है वो 28 दिन का होता है, आपको 28 दिन के बाद ही आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको सही रिजल्ट देखने को मिले, ओके। और श्योरिटी तो देखिए गाइस, आपको आपके पीरियड साइकिल के आने पर ही होगी। अगर आपने गर्भपात की गोलियां ली हैं और आपको आगे का जो आपका पीरियड साइकिल था अगर वो आ चुका है तो 100% श्योरिटी है कि आपका जो गर्भपात था वो सक्सेसफुली हुआ है, ओके। लेकिन आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो ब्लीडिंग है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो, ओके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।